तो है गाइस, राधे राधे। और आप सब कैसे हैं? वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। तो गाइस, आज हमें मुझे खाना बनाने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, तो इन्होंने बोला चलो बाहर चलते हैं। और बच्चा पार्टी भी बोल रही थी कि मम्मा आज बाहर ही कुछ खाते हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना मलाई चाप खाई जाए। और बच्चों को भी बहुत पसंद है। यहाँ पर आव्या बहुत खुश हो रही है, और ये देखे टेढ़े मेढ़े मुँह बना रही है आरना, और ये डांस कर रही है, डांस की मूड में है पूरी। इसको डांस करना बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए गाइस, हम बाहर ही बैठे थे क्योंकि वेदर अच्छा हो रहा था, ठंडा ठंडा, तो ठंडी में बाहर बैठ के ऐसे खाने में बहुत मज़ा आता है। तो बस हमने ऑर्डर किया मलाई चाप एंड तवा चाप और रुमाली रोटी, और मुझे तो पसंद है अचारी चाप, तो मैंने तो वही ऑर्डर की थी। ये देखिए आरना पहले देख रही है कि इसको खाऊं कैसे, और फिर बता रही है 1 2 3, और ये गया मुँह के अंदर। इसका बहुत टेस्टी लगा था, ये बहुत खुश हो गई कि मम्मा बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। फिर आई बारी मेरी, तो मैंने तो अचारी रुमाली चाप मंगवाई थी। मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। जब मैं राजस्थान से यहाँ आई थी तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मेरे को लगता था यार ये क्या है, नॉनवेज जैसा दिखता है, पर अब धीरे धीरे इतना पसंद आ गया कि बहुत अच्छा लगता है। अब जब भी जाती हूँ तो बाहर यही खाती हूँ। तो ऐसे हल्की फुल्की ठंड भी लग रही थी और मज़ा भी आ रहा था। ये अचारी चाप या मलाई चाप जो भी घर पर बनाते हैं ना, तो ऐसे बाहर जैसा पता नहीं क्यों नहीं बनता है। मुझसे तो नहीं बनता क्योंकि हमारे राजस्थान में तो चाप आप चलता ही नहीं है, बट यहाँ पर आके मैंने देखा दिल्ली में तो सभी खाते हैं। तो फिर बस सब बच्चे भी खाने लगे, और अच्छा होता है, प्रोटीन होता है इसमें काफ़ी, पर वो भी है कि बाहर के खाने में थोड़ा ऑयल ज़्यादा होता है। और तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, इसी के साथ।